सब्सक्राइब कीजिए एआर अनबॉक्स चैनल को, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपका हमारे चैनल एआर अनबॉक्स पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने कैमरे को मोबाइल में कैसे देखें, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। दोस्तों हम बताएंगे सीपी प्लस के कैमरे के बारे में। सबसे पहले हम आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बता दें, कैमरा तो आपके पास लगा ही होगा, उसके साथ ही आपका जो DVR होगा वो किसी न किसी राउटर से कनेक्ट होना चाहिए और आपके राउटर में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो किसी लैन केबल के थ्रू हो या चाहे वो किसी मॉडेम या वाईफाई के थ्रू। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो सीपी प्लस कैमरे के लिए है। आपको प्ले स्टोर में जाके लिखना होगा, दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है GCMOB HD। आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर ही आ गया, हम ओपन करेंगे। उसके बाद हमको इसको इंस्टॉल कर ले, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद हमको जब सेटअप करना होगा तब हम आपको दिखाएंगे कि आपको अपने कैमरे का एक्सेस कैसे करना है ऑनलाइन। दोस्तों बस 15 MB का एप्लीकेशन है, बहुत छोटा सा ही है, डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन पर, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई बहुत भारी भरकम। लेकिन हाँ हम आपको इस बीच में बता दें कि आपका जो इंटरनेट होगा, जो राउटर से कनेक्ट होगा, उसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब आप अपने कैमरे को कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन देखने के लिए, तो जैसे ही आप अपने इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन आएंगे आपके कैमरे का जो भी व्यू होगा उस समय का जो रियल टाइम वीडियो होगा उसको वो अपलोड करेगा इंटरनेट पे। वो वीडियो अपलोड करने के लिए आपका जो राउटर है वो की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसको अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो भी वीडियो को अपलोड करेगा इंटरनेट पे आप जब लाइव देखेंगे तो आपके फोन में वीडियो डाउनलोड होकर आपको दिखेगी, तो मतलब आपके फोन में भी इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए। अभी एप्लीकेशन हो गया इंस्टॉल। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आ गया, यहाँ पे 4 कैमरे का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ ही अब चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने DVR के पास, जहाँ से हम आपको बताएंगे कि आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका कैमरा कैसे कनेक्ट करना है, जिससे आप अपने कैमरे का कहीं भी आप रहते हैं तो ऑनलाइन एक्सेस ले लाइव। दोस्तों अभी हम आ गए अपने मॉनिटर पे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे 4 कैमरे का एक्सेस। सबसे पहले आपको अपने कैमरे को लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए हमको राइट क्लिक करके मेन मेनू के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ से आपको स्विच यूजर करना पड़ेगा। आपको पता ये रहा आपका यूजर नेम, आपका जो भी पासवर्ड होगा आपको अपना वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है, तो अपना पासवर्ड इंटर करके पहले लॉगिन करते हैं। दोस्तों पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। अभी आप अपने कैमरे में लॉगिन हो, अब आपको आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सीधा नीचे आना है। सेकंड लास्ट आपको मिलेगा ऑप्शन इंस्टॉल ऑन क्लाउड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका DVR या जो भी आपका राउटर है वो अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आपको स्टेटस में भी ऑनलाइन दिखाएगा, मतलब अभी आपका DVR इंटरनेट से कनेक्ट। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कोड है, इसी कोड को जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसी में करना है इंस्टॉल। तो अब हम आगे का प्रोसेस उस एप्लीकेशन में करेंगे। अब जो आपने GCMOB HD एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसको आपको सिंपली करना है ओपन, तो हम उसको ओपन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीपी प्लस, अब आपको राइट साइड आना है ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड डिवाइस, आपको ऐड डिवाइस पर करना है क्लिक। उसके बाद आपको करना है फर्स्ट ऑप्शन इंस्टा ऑन। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम आ गया है, हमको यहाँ से कोड स्कैन करना है, उसके साथ ही आपको अपने कैमरे का पासवर्ड इंटर करना है। हम पासवर्ड इंटर करने के बाद दिखाते हैं आपको कोड स्कैन करने के बाद कैसे लाइव प्रीव्यू स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने पासवर्ड इंटर कर लिया है, बस हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और कोड को करेंगे स्कैन। हमने कोड स्कैन कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। उसके साथ ही एक ऑप्शन और आता है नेम में, तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे AR अनबॉक्स। उसके बाद ही हम इसको सीधा कर देंगे स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पर क्लिक। अभी आप लोग देख सकते हैं बस ये ऑप्शन आ गया, अभी आपको बता रहा है। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे 4 कैमरे का एक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, हमारे 4 कैमरे में जो भी वीडियो आ रही है वो हमको यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको किसी एक कैमरे का वीडियो देखना है तो 4 में से जिस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे वो एक ओपन हो जाएगा, तो हम इस पर डबल क्लिक किए, आप लोग देख सकते हैं अभी ये हमारे फ्रंट का कैमरा पूरा व्यू आ रहा है। अगर आपको इसको जूम करना है तो बस नॉर्मल तरीके से जूम करके आप देख सकते हैं कि क्या व्यू आ रहा है। सेम तरीके से आप अगर इसको स्वाइप करते हैं आपका ये दूसरा कैमरा आ गया, इसमें भी आप ऐसे जूम कर सकते हैं, आपका तीसरा कैमरा, जितने भी कैमरे होंगे आप उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आप बताएं अगर आप इसको बैक जाते हैं तो अगर आप फिर से ओपन करेंगे तो आपका सिंपली यहाँ पे वो कैमरे का व्यू ओपन नहीं होगा, तो फिर से आपको जाना पड़ेगा राइट ऑप्शन में, वहां पे आपको जो अपने ने डिवाइस ऐड की थी उसका नाम लिखा था, हमने लिखा था AR अनबॉक्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद हमको 4 कैमरे का व्यू देखना है, हम 4 पर क्लिक करके फिर से कर देंगे स्टार्ट लाइव प्रीव्यू। अभी आप लोग देख सकते हैं ये आ गया है। इसके साथ ही इसका कुछ फीचर्स हम आपको और बताएं,
आप यहाँ से इसकी फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं अगर आपको फोटो कैप्चर करनी है। उसके साथ ही आप यहाँ से अगर इसका प्रीव्यू बढ़ाना है, अगर आपके 16 कैमरे हैं या 6 कैमरे 9 कैमरे, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 16 कैमरे का ऑप्शन आ गया, हमारे में 4 ही है, तो 4 कैमरे का व्यू दिखा रहा है, बाकी 12 खाली है। आप इस तरह से भी इसको चेंज करते हैं दोस्तों। तो बस ये कुछ सिंपल सा प्रोसेस है अपने कैमरे को ऑनलाइन देखने का। बस इसमें आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपका जो भी कैमरा है, जो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ ही आप जहां से देख रहे हैं वो भी आपका मोबाइल के इंटरनेट स्पीड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी दिखेगा, अदरवाइज आपका वो थोड़ा ब्लर या बफर हो सकता है। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।